आपका स्वागत है। मेरी नई नई प्यारी प्यारी स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टूनी का एक ढाबा था। ढाबे का नाम टूनी दा ढाबा था। काफी फेमस होने की वजह से सभी लोग यहीं आया करते थे। टूनी पराठे में एक स्पेशल चीज डालती थी, पर वो किसी को भी मालूम नहीं थी। ओ बहन जी, इतना स्वादिष्ट पराठा कैसे बना लेती हो? हमारे पति भी तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करते हैं। मुझे भी कोई तरीका बताओ। जादू है बहन, बस यूं ही बना देती हूँ, खुद ही स्वाद आ जाता है, मुझे खुद नहीं मालूम। वहीं एक तरफ दूसरा कस्टमर आता है और कहता है, टूनी दा ढाबा यही है? टूनी दे ढाबे च मैं पहुंच गया, एक पराठा मक्खन मार के लगा दो जी। मैनू किसी ने दसिया कि तुसी बहुत स्वाद पराठा बनांदे हो। हां जी हां जी, अभी देती हूं भाई साहब। टूनी कस्टमर को पराठे देती है और सभी खुशी खुशी खाते हैं। आहा, मजा आ गया जी, मेरी वोटी नु भी थोड़ा ज्ञान दे दो जी। हां हां जरूर भाई साहब जरूर। हेलो जी, तुहाडे पैसे धन्यवाद, बहुत मजा आया पराठा खान दा। सरदार जी वहां से चले जाते हैं, बाकी कस्टमर खाना खा रहे होते हैं। उनमें से एक कस्टमर के खाने में कॉकरोच आ जाता है। मरे कॉकरोच को देखकर कस्टमर चिल्लाता है, ची ची, ये देखो मेरे खाने में क्या निकला, कॉकरोच। सब देखने लगते हैं और खाना खाना छोड़ देते हैं। टूनी घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। ओह, ये क्या हो गया, मैं तो हमेशा साफ सुथरा खाना बनाती थी, ये कैसे बीच में आ गया प्रभु। सुनिए सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से ये आ गया होगा, मैं तो एकदम आपके सामने साफ सुथरा पराठा बनाती हूँ। पता नहीं कब से हमें ऐसा कॉकरोच वाला खाना खिलाती रहती है, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। चलो सब भाइयों बहनों, यहाँ आना बेकार है। देखते ही देखते सब वहाँ से चले जाते हैं। टूनी का सब खत्म हो जाता है, वो रोने लगती है। मेरा सब बर्बाद हो गया, मैं कहीं की नहीं रही, अब मेरा क्या होगा, कौन यहाँ आएगा, कौन मेरे पराठे खाएगा। दरअसल ये हरकत कल्लू कौवे ने की होती है, क्योंकि कल्लू कौवे का ढाबा टूनी दे ढाबे के बिल्कुल सामने था और कल्लू के सारे कस्टमर टूनी के पास जाने लगे थे। कल्लू कौवा टूनी को चिढ़ाने के लिए आता है। टूनी अकेले मायूस बैठी होती है और उससे कहता है, क्या हो गया जी, मैंने सुना कॉकरोच निकल रहे हैं यहाँ। चलो कोई नहीं जी, होता रहता है। टूनी उसकी बातों को सुनकर इग्नोर करती है, अपने ही ध्यान में बैठी रहती है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, ध्यान रखना बहन जी, जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। अगले दिन टूनी ढाबा खोलती है, उसके कुछ पुराने कस्टमर वहाँ आते हैं। बहन, हमें मालूम पड़ा कि कल यहाँ क्या हुआ, तुम चिंता मत करो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, ये जरूर किसी की साजिश रही होगी या गलती से हो गया होगा। शुक्रिया बहन, मुझे तो लगा था यहाँ कोई आएगा ही नहीं। अब कैसी बातें करती हो टूनी बहन, शुरू से ही तुमने अपना नाम कमाया है और इज्जत भी कमाई है, तुम्हारी एक गलती की वजह से हम तुमको भूल थोड़ी ना जाएंगे, गलती तो होती रहती है। टूनी को कस्टमर्स की बातें सुनकर तसल्ली होती है, उसको हिम्मत मिलती है, वो सबको धन्यवाद कहती है और अपना काम फिर से अच्छे से चालू करती है। परंतु कल्लू कौवे को टूनी की खुशी हजम नहीं होती, वो सामने से सब देखता रहता है और जलता रहता है। कल्लू कौवा फिर से टूनी को बदनाम करने के लिए शाम के समय चोरी से कॉकरोच लेकर टूनी के खाने में डालने आता है। टूनी की किस्मत अच्छी थी और टूनी नेक दिल की थी, जो कि टूनी ने कल्लू को रंगे हाथ पकड़ लिया। कल्लू, ये क्या कर रहे थे तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब समझ आया, पिछली बार भी ये हरकत तुमने ही की थी, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम चाहते थे मैं अच्छे से बदनाम हो जाऊं, पर भगवान ने मेरा साथ दिया, मेरे कस्टमर अभी भी आ रहे हैं, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम फिर से यहाँ आ गए। वहाँ बैठे सभी कस्टमर तमाशा देख रहे होते हैं। टूनी की बातें सुनकर कल्लू को मारने के लिए आ जाते हैं और उसे अच्छे से पीटते हैं। रुकिए रुकिए, मत मारिए इसे, कोई गलत करे तो हमें उसे सुधारना चाहिए। कल्लू को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो टूनी से कहता है,
मुझे माफ कर दो बहन, पैसे ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हारा नाम डुबोने की पूरी कोशिश की, पर तुम ईमानदार और नेक निकली, इसी वजह से तुम्हें सबका प्रेम मिला। सॉरी बहन, मुझे माफ कर देना। सॉरी दोस्तों, मुझे माफ कर देना। और टूनी बुरी नहीं है, टूनी अच्छा साफ सुथरा खाना बनाती है, आप यहाँ आते रहिएगा। तुम्हें गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। गलती तो हर कोई करता है, पर एहसास किसी किसी को ही होता है।